आज मुझे इस तकरीब में हाजिर होकर बेहद खुशी हो रही है कि मैं उन नौजवानों को मैं यहाँ पर मिल रहा हूँ जिन्होंने इंतहाई कलील वसाइल के बावजूद अपने इंतहाई काबिल एहतराम ट्रेनर्स कोचेस और वालदैन की दुआओं से जो पाकिस्तान का दुनिया में नाम रोशन कराया है। मैं समझता हूँ कि आप हम सब की जो इस हॉल में बैठे हैं और पूरी कौम की दिल की गहराइयों से तहसीन के हकदार हैं। अगर पाकिस्तान ने और मैदानों में सुस्त रवि दिखाई है तो इन जवानों ने खेल के मैदान में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया है। ये 5 अरब रुपया जो रखवाया है आइंदा के लिए आपके टिकट्स, आपके लॉजिस्टिक्स, आपके होटल का खर्चा, आपके बूदोबाश और आपका लिबास इसमें शामिल होगा। लेकिन ये 5 अरब रुपया मैं बाकी भी यूथ प्रोग्राम में कह चुका हूँ, ये आटे में नमक के बराबर है क्योंकि पूरे मुल्क में फैले हुए हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों बच्चे और बच्चियां जो कि इस काबिल हैं कि उनको अगर सही माहौल और अपॉर्चुनिटी उनको मुहैया की जाए तो वो अल्लाह ताला के फजल करम से दुनिया की बेहतरीन जो टीमें हैं उनसे भी आगे निकल सकती हैं। ये कल की बात है कि एक और हमारे पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें 600 मिलियन डॉलर का और कल इजाफा हुआ है। चीन ने, उनके एग्जिम बैंक ने पाकिस्तान को 600 मिलियन डॉलर और उसका हमें रोल ओवर कर दिया। ये कोई मामूली बात नहीं। मैं अगर सफारती आदाब का ख्याल रखूं तो मैं शायद नाम ना लेता, लेकिन दिल ये कहता है कि जिसने एहसान किया हो उसको याद रखो। हमारा फेडरल रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है, लेकिन दुआ कीजिए कि कर्जों से नहीं, कौम की अपनी मेहनत और कमाई से और पसीने से और खून से और कुर्बानी से बढ़े।